हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? तो सीएलटी के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में। तो आपको पता है कि सीएलटी के लिए टॉपिक डिसाइड कर दिए हैं, यानी कि सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है सीएलटी के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के लिए, जो आपकी वैकेंसी आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। अभी जो वैकेंसी आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट, माफ कीजिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, फाइनेंस, कॉमन कैटर और लॉ के लिए भी आई हुई थी, बट उन सब के लिए टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट जो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है, केवल दो पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। जी हाँ, सिर्फ इन दो पोस्ट के लिए। सो अगर आप इन दो पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, आपने एग्जाम दिया, जो आपको एग्जाम 15th को हुआ जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का, और बाद में 21 को सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए हुआ एग्जाम। तो अगर आपने वाला टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको क्वालिफाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट राउंड में आपको कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट किया जाएगा आपका एमएस ऑफिस। तो लास्ट टाइम मैंने इसका डिस्कस करा था कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए थे, तो वहां पर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट नहीं था वर्ड का यूज, वहां केवल टाइपिंग टेस्ट था, तो वहां पर उन्होंने टाइपिंग टेस्ट किया। लेकिन इस बार इन्होंने बता दिया था कि हम कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एमएस ऑफिस में करेंगे। तो लास्ट वीडियो हमने बताया था कि एमएस वर्ड की आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, बट इन्होंने रिसेंटली अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है सिलेबस, यानी कि टॉपिक्स फॉर द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023। ये 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें इन्होंने नहीं बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या किस टाइप से कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम, बट इन जनरल ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं ही होगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा क्यों लगता है हम लोगों को कि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा या क्या मेथड इसका होगा? देखिए, ये आप समझ लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप तो ऑलरेडी सीबीटी आपका करा लिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका हो गया। इस एग्जाम का ये समझिए आपका प्रैक्टिकल है, जैसे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने ग्रेजुएशन में या 10th 12th में पढ़ते थे, तो वहां पर एक लैबोरेटरी का सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइप के। तो वहां पर आपको लैब, यानी कंप्यूटर लैब जैसे होती है, कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, वहाँ कंप्यूटर लैब में आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये टॉपिक्स रिलेटेड हैं सारे आपके प्रैक्टिस पर्पस से, तो हमें नहीं लगता इसका कि ये कंडक्ट किया जाएगा एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका टेस्टिंग यही की जाने वाली है कि आपको एमएस वर्ड की कितनी डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज कितनी है, एमएस पावर पॉइंट की और एमएस एक्सेल की। लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन कर लिया था कि हमें लगता है कि एमएस वर्ड तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो उसके जो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वही लगभग इन्होंने मेंशन कर दिए यहाँ। क्रिएट एंड मैनेज डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सारे हेडर फुटर्स की हमने बात की थी, हाइपरलिंक्स डालना है, बुकमार्क ऐड करना है उसमें, है ना, तो बाकी सारी चीज कैसे उसमें ऐड की जा सकती है, ये टॉपिक्स एमएस वर्ड के लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फॉर्मेट टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट को जो साइज फॉन्ट उसका कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें टेबल ऐड कैसे कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है ग्राफिक्स की वो कैसे कर सकते हैं, फाइल को लॉक कैसे कर सकते हैं, सिक्योर्ड कैसे बना सकते हैं पूरे फाइल को या फोल्डर को, कैसे किया जा सकते हैं चेंजेस, ये सब चीजें। ये तो एमएस वर्ड की बेसिक जानकारी है और ये आना भी चाहिए आपको अगर कोई एमएस वर्ड में आपका टेस्ट ले रहा है। बट यहाँ पर आपका सिलेबस इन लोगों ने थोड़ा सा लार्ज कर दिया। अभी टॉपिक्स हमने एक्सपेक्टेड था कि एमएस वर्ड आपका पूछा जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम केवल टाइपिंग टेस्ट हुआ था, बट इस बार इन्होंने सिलेबस को वाइड कर दिया है, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल। देखिए, जनरली पावर पॉइंट और वर्ड इजीली है, वो आप लगभग सभी कर लेते हैं, एमएस वर्ड में भी आप लोग काम करना इजी है, बहुत आराम से कर लेते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट भी बहुत ईजी रहता है, आप लोग कर सकते हैं। उसमें जनरली पावर पॉइंट को क्रिएट करना है, ठीक है, उसको डिफरेंट व्यूज के लिए थीम्स उसमें चेंज करना, ट्रांजिशंस, एनिमेशन डालना, वो बहुत सिंपल है। उसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, जो भी टेबल्स डायग्राम्स उसमें डालने होते हैं, इमेजेस डालनी होती है, वो कर लेते हैं आप। बट थोड़ा सा एक्सेल में लोगों को इश्यू होता है, तो इसके लिए तो हाँ प्रैक्टिस चाहिए एक्सेल के लिए। और अगर थोड़ी से भी आपको नॉलेज है अगर एमएस वर्ड के पावर पॉइंट की, तो ये आप जल्दी से पिकअप कर सकते हैं। थोड़ा सा एमएस वर्ड के लिए आपको इन सब से 8-10 दिन, लगभग 1 वीक से 2 वीक आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। देखो, और यहाँ सिलेबस भी उन्होंने थोड़ा सा एमएस एक्सेल में बता दिया है, ज्यादा कर दिया है। तो एक्सेल हमने जैसे बताया था, स्प्रेडशीट होती है, बहुत सारा डाटा को कलेक्ट उसमें किया जाता है और उसको एनालिसिस किया जा सकता है वहाँ। तो एमएस एक्सेल को आपको अपना प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, क्योंकि एमएस वर्ड में आपको किया जा सकता है टाइपिंग, आपको कुछ पेपर दिया जाएगा या कुछ कैसे भी दिया जा सकता है, इसमें इसको टाइप करो, पूरा फॉर्मेट इसको प्रिंट कर दो जैसा एज इट इज आपको जो पेपर मिले, और पावर पॉइंट में कुछ क्रिएट करने के लिए कुछ बोला जा सकता है आपसे कि कोई एक छोटी पीपीटी बनाइए किसी भी एक टॉपिक पे रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। 2 घंटे का टेस्ट होगा, तो इसमें एमएस वर्ड से भी जरूर पूछा जाएगा, एमएस पावर पॉइंट से भी और एमएस एक्सेल से भी, और इसको जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं फ्री के, आप उसकी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, आप वीडियो कंटिन्यूस लोगों ने
जो अच्छे यूट्यूबर्स है रिकमेंड करेंगे उन्हीं का ही, जो अच्छे यूट्यूबर्स है आप उसको फॉलो कीजिए, जिसकी भी आपको लैंग्वेज भाषा या जिसकी भी आपको टेक्निक समझ में आती है, आप वो उनको लॉन्ग वीडियो 3-4 आवर्स के वीडियोज हैं वो पूरा देख लीजिए, आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, सारे शॉर्टकट शॉर्ट कीज आपको पता चल जाएंगी, आपको कैसे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, काम को जल्दी खत्म कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है। चाहे एमएस एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो या वर्ड की हो, एमएस एक्सेल में आपको बहुत सारी चीजें करनी है, आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, एडिट है ना, उसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज का वर्क होता है, बेसिक मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए, तो मैथ्स के जो लॉजिकल फॉर्मूलाज है वो आप कहाँ से उसमें चेक कर सकते हैं, कैसे उसको एंट्रीज को क्लियर कर सकते हैं, रिपीट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी वर्कशीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आए। अगर आपने एक्सेल थोड़ा भी किया है तो उसमें आपको ने देखा होगा आपको थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो अब आपके पास लगभग इन्होंने अब तक आंसर की तो दी नहीं है, टेस्ट कंडक्ट करा है आईबीपीएस ने, और जैसे पता ही आपको कि आईबीपीएस आंसर की नहीं देता, हमें लगा था कि एग्जाम जब कंप्लीट होगा 23 में उसके 4 दिन बाद लगभग ये आंसर की जैसे पहले आती थी वैसे आ जाएगी, बट लास्ट टाइम टीसीएस ने एग्जाम लिए थे तो वो आंसर कीज अपने देते थे, उससे लोगों को आइडिया लग जाता था कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर कर सकते थे, बट अभी आंसर की नहीं आ रही है, तो यानी कि आपको वेट नहीं करना आंसर की आने के लिए, जब भी वो आंसर की देना चाहें ठीक है वो दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देना चाहें तो आप सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करते रहिए। सेकंड राउंड के प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब आपको पास टॉपिक्स पता है आपको, ठीक है, तो आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, और ये मान के चलिए 99.99% हमें श्योर हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो नहीं होगा, और आपको इस टाइप से कुछ क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको दे दिया जाएगा प्रैक्टिकल लैब में, ठीक है। सर आपको ये प्रिपेयर करना है, कुछ लोगों का डाउट था कि सर हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने बताया आपको कि जो भी यूट्यूब पे आप डालेंगे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स वहाँ आपको सीख सकते हैं उसमें, तो जो भी आपको इन जनरल आपको यूट्यूबर्स मिल रहे हैं, जैसे ये एक चैनल का है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ पहली बात तो, ठीक है, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं जिसको भी आपको अच्छा लगे, सो बट इनके मैंने एक दो वीडियो देखे हैं तो मुझे भी हेल्पफुल हुआ है काफ़ी, एक्सेल मैंने इनके वीडियो देख के थोड़ा सा अपनी इम्प्रूव की थी, तो आप इनको देख सकते हैं, किसी और को भी देख सकते हैं जिसको आप चाहें, ठीक है। तो इनका चैनल है, आपको जैसे यूट्यूब में डालेंगे सर्च करेंगे एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल या ये कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स, तो आपको हिंदी इंग्लिश बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, फ्री है, बहुत लंबे लंबे वीडियोज हैं, देखिए वीडियो लगभग ऑलमोस्ट 5 आवर्स का है, लेकिन आपको बेसिक सारी नॉलेज हो जाएगी, आपको सारे शॉर्टकट्स आपको पता चल जाएंगे, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो देखना एक बात होगी, लेकिन इस वीडियो को अप्लाई करना और उस पर प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। जैसे यहाँ एक यूट्यूबर है, इनके 10 आवर्स का वीडियो पूरा एक्सेल को उन्होंने डिस्क्राइब किया है पूरा अच्छे से, कि कैसे आप एक्सेल में मास्टर कर सकते हैं, इनिशियल लेवल से कैसे उसमें मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, आप इन जनरल कोई भी यूट्यूबर जिसको आप समझ में आता है, आपको लैंग्वेज टेक्निक्स जिसकी भी अच्छी लगे आप उसको ले, फ्री उनके वीडियोस पड़े हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने ये जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार फिर बता दूं, केवल जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ही है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, बाकी वैकेंसीज के लिए चाहे वो कॉमन कैडर हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो फिनेंस हो, है ना, इन सब के लिए और फायर सर्विस के लिए भी नहीं है, ठीक है। केवल 2 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, इनके लिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है, इनमें वैकेंसीज कम थी तो इसलिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑल्दो इट इज क्वालिफाइंग, बट यू हैव टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के लिए आपको ये टॉपिक्स जो इन्होंने अभी डिस्क्राइब किए हैं उस टॉपिक पे कमांड करनी ही होगी, ठीक है, और वो प्रैक्टिस से होगी। अभी लगभग लगभग ये मंथ अक्टूबर खत्म हो गया है, और हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि कब तक ही रिजल्ट आ सकता है, तो लगभग हमने 10 से 15 दिसंबर के आसपास हमने सोचा है कि ये एग्जाम का रिजल्ट दे दिया जा सकता है, क्योंकि इन जनरल 40-50 डेज के बीच में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिजल्ट आते थे। सब आप मान के चलिए कि अगर 10th-15th के बीच में दिसंबर में आपको रिजल्ट आएगा, तो 15 डेज आपको और मान लेते हैं कि आपको कॉल किया जाएगा इस टेस्ट के लिए, सीएलटी के लिए। सब आप समझ सकते हैं कि जनवरी में ही आपका ये टेस्ट होगा, कंडक्ट होगा, जो सीएलटी होगा आपका अप्रोक्सीमेटली जनवरी में होगा, जनवरी 2024 में। सब आपके पास अब मोटा मोटी नवंबर दिसंबर 2 महीने पूरे हैं, और आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने थोड़ा कमांड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वहां केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो 2 घंटे के बीच 2 घंटे के लिए आपको ये जो भी टॉपिक मिलते हैं बस आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है।
कितने अच्छे से कर रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि 2 घंटे के अंदर ये टास्क आपको कंप्लीट करना है ताकि उसको आप क्वालिफाइंग कर सके। हमने पहले बताया था इसके मार्क्स नहीं है, मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मेरिट आपकी सीबीटी से ही तय होगी, लेकिन इसको पास करना मैंडेटरी है। तो इस इन टॉपिक्स को अब आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बता दिया है। हाउएवर इनको बताना चाहिए था कि कैसे एग्जाम का सिलेक्शन, जो एग्जाम प्रोसेस है वो क्या होगा, क्या क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, ताकि आप लोग और मेंटली और प्रिपेयर कर सके अच्छे से, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। बट फिर भी आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, जो वीडियोस देख के अगर आप पहले से कहीं आपको आता है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तो बहुत ही बढ़िया, इन टॉपिक को शार्पन कर लीजिए सारे, एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर किसी को नहीं आता तो मैंने तरीका बताया यूट्यूब पे, आप यूट्यूबर्स जो भी फेमस यूट्यूबर्स हैं या कोई भी आपको जिसको टेक्निक्स अच्छी लगती है, लैंग्वेज समझ में आती है, आप उसको देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वुड बी द एंड ऑफ वीडियो। लोगों का बहुत डाउट था सर सीएलटी 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 क्या होगा हमें बता दीजिए, तो हम अभी भी यही कह रहे हैं हमें नहीं लगता कि इसका कोई भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, इसका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, एक लैब टेस्ट है और इसको लैब की तरह ही कंडक्ट किया जाएगा। आपको कोई भी शीट दे दी जा सकती है, उसमें कोई भी वर्ड के डॉक्यूमेंट होगा, कुछ आर्टिकल्स उसमें होगा, तो आपको एज इट इज उसको फॉर्मेट करने के लिए दिया जा सकता है। कोई किसी टॉपिक पे आपको पावर पॉइंट बनाने को बोला जा सकता है जिसमें आपको ट्रांजिशन, थीम्स, एनिमेशन, शेप्स वगैरह एंट्री करने की हो, और इसी तरह आपको एक्सेल में कुछ काम करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा दिया जा सकता है आपको, उसको आपको एक्सेल में करना है और वहाँ से एनालिसिस के लिए कुछ रिजल्ट्स लेके आने, और साथ में उसमें कुछ फॉर्मेट, उसमें जो चार्ट्स शेप हैं वो एंट्री करने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, एक्सेल में फॉर्मेटिंग बहुत ईजी है, आप सीख सकते हैं बहुत जल्दी। हाँ, और एक बात ध्यान रखिए, ये केवल सब एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो जो लोग गूगल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, तो आपको उस पे प्रिपेयर करना है। अगर आपको आदत है गूगल की पावर पॉइंट पे काम करने का या गूगल शीट पे काम करने का, जो स्प्रेडशीट है गूगल की, तो वो काम नहीं आएगी आपकी। मैं फिर बता दूं लोगों को, जैसे मैं भी इन जनरल अब एमएस एक्सेल नहीं यूज करता, मैं गूगल शीट ही यूज करता हूँ। ठीक है, सो उन लोगों को खास दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने देखा है जब दोनों में काम करता हूँ, थोड़े से इनके जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग जगह हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपको दोबारा डबल चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, सो एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये जनरली 3 चीज़ें आती हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइए, कोई और जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा, और जो ये एग्ज़ाम है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 में आए थे, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव, फायर, फाइनेंस, लॉ एंड कॉमन कार्डर में एग्जाम कम्प्लीट हो गए हैं। यहाँ एक छोटी सी बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर के बारे में, कुछ लोगों का डाउट ये भी था सर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर में तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, हमें कौन सी चूज करनी चाहिए, हमें इसका थोड़ा सा आइडिया दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि काफी लोगों का डाउट आ रहा था। देखिए, पहली बात तो आपको नहीं चूज करना, इन्होंने यहाँ क्लियरली लिखा है कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर को डिप्लॉय किया जाएगा, और ये पूरा AAI मैनेजमेंट यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है, किस पर्सन को क्या डिपार्टमेंट, यानी कि इनमें से इन 7 डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया जाए। ठीक है, इन जनरल यही होगा, वो खुद से डिसाइड कर लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो नीचे की 3 आप वैकेंसी देख रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, CPMS, इको प्लानिंग, CC यानी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड CACS, ये जनरली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जिसको CHQ बोलते हैं वो लोग, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, ये पोस्ट उसी में ही है, यानी कि ये फील्ड स्टेशन की पोस्ट नहीं है। और इसमें जनरली जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी ने ग्रेजुएशन उसमें किया है या फाइनेंस में किया है, ठीक है, तो आप पूरी संभावना है आप लोगों को ये डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इन डिपार्टमेंट के लिए ऑफर किया जाएगा या फिर इन डिपार्टमेंट के लिए आपको रेकमेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट ये है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कमर्शियल, ये तीनों डिपार्टमेंट इन जनरल फील्ड स्टेशन पे यानी कि एयरपोर्ट्स पर होते हैं। जैसे कोई भी एयरपोर्ट आप नाम ले लीजिए, तो वहां पर ये एयरपोर्ट के तीनों डिपार्टमेंट होते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस बोलते हैं इसको, यहाँ कमर्शियल और एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो जिस भी पर्सन, अगर आप, वैसे तो इन्होंने बोला है खुद ही कि एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद डिसाइड करेगी,
किसी वजह से अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी, जब आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर का रिजल्ट आ जाए, आपको कॉल किया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, अगर उन्होंने आपको ऑर्डर एक आपसे पूछ लिया कि आप अपनी प्रायोरिटी बता दीजिए कि आपका क्या ऑर्डर रहेगा, ठीक है, अगर है ना ऐसा उन्होंने कुछ मांग लिया, तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है आपकी हेडक्वार्टर बेस्ड वैकेंसी है, आपको जिंदगी में हो सकता है कभी भी किसी एयरपोर्ट पर ना भेजा जाए। और जो आप सोच रहे हैं कि आपने तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब लिए, यानी कि खूब एयरक्राफ्ट देखेंगे, जहाज देखेंगे, एयरपोर्ट वाली फीलिंग आएगी, तो इन पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 9 to 5 वाली जॉब है, यहाँ आपको बस डाटा का एनालिसिस करना है, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड डाटा आ रहा है और पॉलिसी मेकिंग में आपको मदद करनी है डिपार्टमेंट की, डाटा जो एयरपोर्ट से आ रहा है उसको एनालिसिस करके पॉलिसी बनाने में आपको डिपार्टमेंट की हेल्प करनी, ठीक है। तो इन जनरल इसमें यही फीचर है। तो जो भी लोग दिल्ली से बाहर नहीं रहना चाहते, ये हेडक्वार्टर में पोस्ट रहना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया जॉब है। लेकिन जिन लोगों को फील्ड वर्क चाहिए, जिनको लगता है कि मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट पे एग्जैक्टली फीलिंग लेना चाहता हूँ काम करने के लिए, उनके लिए एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कमर्शियल और सिक्योरिटी, ये तीनों बेस्ट है, ठीक है। मैंने इनिशियल लेवल में बताया भी था कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस का क्या काम होता है, कमर्शियल का काम होता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का। तो जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वैकेंसी आई थी, फर्स्ट वीडियो ही मैंने उसमें ये सब बताया भी था कि क्या होता है। अगर आपसे एयरपोर्ट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से आपसे एक बार पूछ ले, तो आपका एप्टीट्यूड के हिसाब से, जो आपके इच्छाएं आपके, उस हिसाब से वैकेंसीज को ऑर्डर बनाइए, है ना, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर अपना उसके हिसाब से रखिए। इन जनरल अगर मेरे में से पूछे तो मुझे एयरपोर्ट ऑपरेशंस सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, ये वैकेंसी अगर किसी को डेली बेस्ड रहना है, किसी को ट्रांसफर नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑपरेशंस में और सिक्योरिटी में जनरली ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगभग परमानेंट 9 to 5 वाली जॉब चाहिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब नहीं है ये, इजी जॉब है काम की, और कभी शायद जिंदगी में जहाज भी देखने को ना मिले, एयरक्राफ्ट देखने को ना मिले, तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं। और किसी को खूब मतलब अच्छी रौबदार पोस्ट चाहिए आपको, पूरा जिस कहते हैं ना एयर भौकाल मचाने वाली हो, तो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस वाली है, आप इसको देख सकते हैं। कमर्शियल और लैंड मैनेजमेंट भी इन जनरल हेडक्वार्टर बेस्ड ही पोस्ट है, ठीक है। लैंड मैनेजमेंट हेडक्वार्टर में ही आपकी पोस्ट होंगी, लेकिन छोटे एयरपोर्ट पे क्या होता है कि किसी जो भी ऑपरेशंस देख रहा होता है या कमर्शियल डिपार्टमेंट देख रहा होता है, उसको वो डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर दिया जाता है, यानी कि वो उसका एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। तो यानी कि अगर आपके पास कमर्शियल है तो आपको एडिशनली चार्ज लैंड मैनेजमेंट का भी दे देंगे। इन जनरल एयरपोर्ट्स पर यही होता है, जो छोटे या मिड साइड एयरपोर्ट्स हैं, और जो बाकी एयरपोर्ट हैं, जो बाकी पोस्ट है लैंड मैनेजमेंट की, वो भी हेडक्वार्टर बेस्ड ही है, यानी कि जो CHQ कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है या रीजनल हेडक्वार्टर्स है वहां पर इनकी वैकेंसी होती है, ठीक है। तो डेली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी, 5 इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, तो रीजनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ये तीन पोस्ट इन जनरल हेडक्वार्टर यानी कि CHQ न्यू दिल्ली में ही होगी, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कमर्शियल और ऑपरेशंस आपकी पोस्ट होगी एयरपोर्ट पर, जो काफी अच्छी पोस्ट है। अगर आप देखा जाए तो आपको पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालनी है, पूरे एयरक्राफ्ट का डे टू डे वर्क का सारा ऑपरेशंस का आपके ऊपर रहेगा चार्ज, ठीक है। ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए, रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए आपको जोर दिया जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड होगा, जिन बच्चों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या MBA बैकग्राउंड, उन लोगों को इन जनरल कमर्शियल ऑपरेशंस और सिक्योरिटी के लिए लिया जाएगा। और इन जनरल जो भी फाइनेंस के, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसी डिग्री हैं, तो उनको डिपार्टमेंट खुद चूज कर लेगा कि उनको ये सब दिया जाए। अब डिस्क्रिशन टोटली उनका है, ये मैंने बता दिया। अगर आपसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पूछ लिया जाए तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप भर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर, ठीक है, बाय बाय।